हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित बीएड सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2019 के बारे में चर्चा करेंगे। जो यहां पर जो सब्जेक्ट है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वह है हिस्ट्री। इसके लिए जो टाइम है वो 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले जो पूछा गया है प्रश्न यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन होता है, यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न, और ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है और इसमें 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से करना होता है। अब हम जो प्रश्न आए हैं उनको लेकर बात करें। जो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीयता को विकसित करने में इतिहास का क्या योगदान है। तो यह पहला प्रश्न पूछा गया शॉर्ट नोट्स, जो कि 4 अंक का है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, इतिहास का नागरिक शास्त्र से संबंध, कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद सिविक्स। जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर जो लघु उत्तरी प्रश्न है वह है चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन। यह सभी प्रश्न 4 अंक के हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिखेगा, ये जो दिया हुआ है कि मुग़ल वास्तुकला की विशेषताएं क्या हैं। और जो अगला 5वां प्रश्न है वह है अच्छी पुस्तक इतिहास की पाठ्य पुस्तक के मानदंड क्या हैं, क्राइटेरिया ऑफ ए गुड हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं ये सभी 4-4 अंक के हैं। और ये जो अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, इतिहास कच्छ का रखरखाव एवं संगठन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है शिक्षक सहायक सामग्री का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ टीचिंग एड। और जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वह है इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियाँ क्या क्या हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ हिस्ट्री टीचिंग। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट क्वेश्चन, इससे पहले अभी हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की, अब यहाँ पर यूनिट वाइज क्वेश्चन को दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 12 अंक का है। और ये जो प्रश्न दिए हुए हैं पर यूनिट, उसमें से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि इतिहास विषय की प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना कीजिए, यह 12 अंक का है। डिस्क्राइब नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। जो अगला प्रश्न है वह है डिस्क्राइब रोल ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी, अर्थात शिक्षा और समाज को विकसित करने में इतिहास शिक्षण की भूमिका बताइए, 12 अंक का ये भी प्रश्न है। और इन दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या ये जो 4 है यहाँ पर जैसा आप देख भी रहे हैं, और ये यूनिट 2 से पूछे गए प्रश्न हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के कारणों को लिखिए तथा इसके मुख्य सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। यह 12 अंक का प्रश्न है। राइट द काजेज ऑफ राइज ऑफ बुद्धा धर्म एंड एक्सप्लेन इट्स मेन प्रिंसिपल्स। और जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 वह है 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में उसके बारे में पूछा जा रहा है। और इसके बाद यहाँ जो यूनिट 3 है इसमें जो स्क्रीन पर आपके सामने पहला जो प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6 कि शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप से लिखने में ब्लूम के योगदान को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ासकर पेडागोजी में पढ़ाया भी जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा भी है और आने वाले समय में जब लेसन प्लानिंग की जाती है तो इसकी बड़ी भूमिका रहती है। तो ये भी प्रश्न 12 अंक का है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो यूनिट 3 के अंतर्गत ही है कि मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियाँ क्या हैं,
किन्हीं दो को विस्तृत रूप से बताइए। व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ एवेल्युएशन, डिस्क्राइब एनी टू इन डिटेल। ये 12 अंक में पूछा गया है और यह प्रश्न भी काफ़ी पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ जो अंतिम यूनिट यहाँ पर है आपके सामने, यूनिट संख्या 4, इसमें जो प्रश्न संख्या 8 है, इतिहास शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों को बताइए, डिस्क्राइब वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, तो ये 12 अंक का है। और जो अगला प्रश्न है वह है एक्सप्लेन रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग। अभी यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन भी नीचे दिया हुआ है कि यहाँ उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण की व्याख्या कीजिए, ये अंतिम प्रश्न यहाँ पर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और ये सब पेडागोजी के प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन और एजुकेशनल संबंधी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।